में घायल को देखते ही राहुल गांधी ने रुकवा दिया काफिला, एम्बुलेंस बुलाकर भिजवाया अस्पताल, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल इन दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल दौरे पर है। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घायल को देखकर अपना काफिला रोक दिया। इस दौरान वो गाड़ी से नीचे उतरकर आया और काफिले के साथ चल रही एम्बुलेंस से घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। वीडियो में राहुल गांधी खुद घायल के लिए स्ट्रेचर पकड़े नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस वीडियो को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। श्रीनिवास बीवी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, जब सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को राहुल गांधी ने अपने काफिले में चल रही एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल केरल के निलंबूर में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब इस घटना को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देखा तो उन्होंने अपने काफिले में शामिल एम्बुलेंस से घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। जानकारी के अनुसार जब राहुल गांधी का काफिला निलंबूर की ओर जा रहा था तभी एक व्यक्ति हादसे में घायल हो गया। घायल शख्स की मदद के लिए राहुल गांधी खुद मदद को आगे आए। केरल के निलंबूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफिला निलंबूर की ओर जा रहा था। इस दौरान रोड पर एक्सीडेंट में एक व्यक्ति बाइक की टक्कर से घायल हो गया। जब रोड एक्सीडेंट हुआ तो राहुल गांधी निलंबूर की तरफ जा रहे थे। हादसे के बारे में जानकारी होते ही वे तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आए। प्राथमिक उपचार के बाद राहुल गांधी ने अपने काफिले में चल रही एम्बुलेंस मंगवा कर घायल को अस्पताल के लिए रवाना किया। घायल व्यक्ति अब न्यू लाइफ अस्पताल मामबार में भर्ती है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार यानी 1 जुलाई को केरल के वानियार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय कार्यालय में 24 जून को हुई तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी और सीपीआई हिंसा में विश्वास रखते हैं। उनकी विचारधारा में हिंसा भीतर तक समाई हुई है। वह ऐसा सोचते हैं कि हिंसा करके धमकी देकर लोगों का व्यवहार बदलना चाहती है। अभी के लिए इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशित न्यूज के साथ धन्यवाद।